वेलकम टू आवर चैनल. मैं हूँ तन्वी, योर इंग्लिश मेंटर फ्रॉम एनआर क्लासेस बठिंडा से. जैसे कि आप सबको पता ही है कि आईबीपीएस एएफओ जो है उसका नोटिफिकेशन आ चुका है और आप सबने अभी तक होपफुली अप्लाई कर ही दिया होगा एग्जाम के लिए. एग्जाम जो है वो कंडक्ट होगा नवम्बर या दिसंबर, होपफुली नवम्बर दिसंबर में आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा. तो आप सब लोगों ने प्रेपरेशन भी शुरू कर दी होगी. अगर नहीं करी है तो हमारे पास, हमने एक बैच स्टार्ट करा है आईबीपीएस एएफओ के लिए. उसमें क्या रहता है आईबीपीएस एएफओ में? आईबीपीएस एएफओ जो है बैच, उसमें आपको हम प्रोवाइड करवाते हैं एनआर क्लासेस की तरफ से एक ऐप है जो आप डाउनलोड करेंगे. अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन से हैं तो आपको डाउनलोड करना है ऐप एनआर क्लासेस बठिंडा. अगर आईफोन यूजर्स हैं तो वो डाउनलोड करेंगे क्लास प्लस और उनका उसका कोड रहेगा एनआरसी. अब जो क्लासेस हैं, हमने जो बैच है वो शुरू कर लिया है. अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि हमें तो बैच ज्वाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम तो ऑनलाइन ऐसे ही यूट्यूब से कुछ ना कुछ वीडियोस देख के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं. लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता. अगर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है तो आपके पास प्रॉपर कंटेंट होना बहुत ज़रूरी है. बिना कंटेंट के आपको नहीं पता चलेगा कि एग्ज़ाम में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा, क्या आपके एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल रहेगा, राइट? अब सबसे मुश्किल जो है वो क्या है, सबसे मुश्किल पोर्शन रहता है हमारे पास इंग्लिश. IBPS AFO सबसे मुश्किल पोर्शन क्या रहता है? हमें लगता है इंग्लिश को क्लियर करना, क्रैक करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ऐसे कुछ भी नहीं होता, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. अगर आपको इंग्लिश का प्रिपरेशन करना है तो आप कैसे करेंगे? आपको लगता है कि हम एग्रीकल्चर से हैं, हमारा तो मीडियम जो है वो हिंदी रह चुका है, हमारा मीडियम तो पंजाबी रह चुका है, हमें इंग्लिश तो आती ही नहीं है, हमारा तो एग्जाम क्रैक होना बहुत मुश्किल है. आप दो चार चीज़ें इधर उधर से देखते हो, ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया, दूसरे दिन लगता है कि हमें तो ये आता ही नहीं है, हमसे तो ये हो ही नहीं पाएगा. लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. जब हम रेगुलर बेसिस पे एक चीज़ को करते हैं, पढ़ते हैं, तो धीरे धीरे वो चीज़ हम अडेप्ट करनी शुरू करते हैं, तो वो चीज़ हमें ईजी भी लगने लग जाती है. इंग्लिश में सबसे टफेस्ट पार्ट कौन सा आपको लग सकता है? पैराग्राफ, दैट इज द रीडिंग सेक्शन, जो आपका रीडिंग का पार्ट है. रीडिंग सेक्शन जो है वो सबसे मुश्किल लगता है. रीडिंग सेक्शन कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे आपको एरर स्पॉट करनी है आगे जाके ग्रामर में, ये सब चीज़ें जो है वो हम अपनी क्लासेस में करवाते हैं. स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ से कि आपको पैराग्राफ सॉल्व कैसे करना है. पैराग्राफ जो है वो स्टोरी बेस्ड तो आता नहीं है. आपको भी पता है कि आईबीपीएस एएफओ है, थोड़ा सा तो लेवल टफ रहेगा ही रहेगा. ये तो है नहीं कि आप 10th क्लास का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो जब लेवल इतना टफ रहेगा तो आपको पैराग्राफ सॉल्व करने में भी दिक्कत आएगी, क्योंकि जो पैराग्राफ है वो स्टोरी बेस्ड नहीं है, वो क्या है, एडिटोरियल सेक्शन से लिया गया है. अब मैं कहूँ जी आप तो जी न्यूज़पेपर पढ़ लो डेली, न्यूज़पेपर पढ़ना सफिशिएंट है? नहीं, न्यूज़पेपर पढ़ना सफिशिएंट नहीं है. मैंने आपसे कहा कि आप द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए. द हिंदू न्यूज़पेपर आप लोगों को पढ़ लीजिए. द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना सफिशिएंट नहीं है. आप एक दिन पढ़ेंगे, आपने साथ में फ़ोन रख लिया, एक दो वर्ड्स आपने वो कैप के नोट करे, ओहो ये तो बहुत टफ है, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा. क्योंकि कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर है उसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत टफ होती है, हमें एक बार में समझ नहीं आती. आप क्या करेंगे, एक दिन पढ़ेंगे, दो दिन पढ़ेंगे, तीन दिन पढ़ेंगे, फोर्थ डे आपको बोलोगे कि ये तो बहुत ही टफ है, ये हमसे नहीं हो पा रहा है, हम नहीं कर पाएंगे. आप न्यूज़पेपर ही नहीं पढ़ते हैं. लेकिन बात यह है कि आपको सारा न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है. आपने पढ़ना है उसका पेज नंबर 8. आपने पढ़ना है उसका पेज नंबर 8. पेज नंबर 8 पे जाके आपको क्या मिलेगा, पेज नंबर 8 पे जाके आपको मिलेगा एडिटोरियल सेक्शन, जिसमें से मोस्ट ऑफ द पैराग्राफ जो है वो आते हैं एग्जाम में. और अगर आप, आपके पास अभी आराम से 4 मंथ्स हैं, 4 मंथ्स, यू हैव 4 मंथ्स आराम से. देखो जी, कोई भी भाषा सीखनी है, लोगों को जिंदगियां निकल जाती हैं, आपके पास तो 4 मंथ्स हैं, आप 4 मंथ्स में कुछ तो सीख ही जाओगे. आपको भाषा बोलनी तो नहीं है, आपको तो वहाँ पे एग्जाम में सॉल्व भी करने हैं, क्वेश्चंस ही सॉल्व करने हैं आपको. आप कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को? आपने न्यूज़पेपर लेना है, पेज नंबर 8 पे जाना है, जो भी उसमें
एडिटोरियल सेक्शन में जो भी पैराग्राफ आया हुआ है सिर्फ उसी को सॉल्व करना है हर रोज का। अगर आप एक घंटा भी न्यूज़पेपर को दे दे तो वो मोर देन इनफ है। एक घंटा भी अगर आप न्यूज़पेपर को देते हैं। उसके बाद बात आती है हमारे वो कैब की। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आप कुछ तो ऐसे वर्ड्स सीखेंगे, कुछ न्यू वर्ड्स आप सीखेंगे जो आपको एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगे। अगर कुछ सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, ये सब चीज़ें भी अगर आप एग्जाम में सॉल्व कर लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आपको जो भी क्वेश्चंस आने हैं एग्जाम में वो किस बेस पे आएंगे? जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो कैसे आएंगे? आपको एरर सपोर्ट करने आएगा, आपको पैरा जंबलिंग आ सकती है, क्लोज टेस्ट आएगा। क्लोज टेस्ट जो है वो क्या है? क्लोज टेस्ट में आपको एक पैराग्राफ है जिसमें फिलअप्स आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट आपको वहां पे ऑप्शंस दिए होंगे और आपको एक एप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है उस फिलअप में अप्लाई करना है, राइट? तो वो कैसे होगा? जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको एक पैराग्राफ में कुछ डिफरेंट फिलअप्स हैं उसके लिए आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए जाएंगे। जो भी ऑप्शन आपको अप्रोप्रिएट लगेगा आपको वो वहाँ पे फिल करना है, दैट इज क्लोज टेस्ट, राइट? तो उसकी प्रेपरेशन आपको कैसे करनी है? कुछ ऐसे की पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसे ज़रूरी पॉइंट्स होते हैं जो हम अपनी क्लासेस में डिस्कस करते हैं कि उसे सॉल्व करने का तरीका क्या है, पैराग्राफ को सॉल्व करने का तरीका क्या है, अलग अलग मेथड से हम कैसे उसे कर सकते हैं, ये सब जो है वो हम अपनी क्लासेस में डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनआरसी में हम क्या है, हमारी जो क्लासेस हैं एनआर क्लासेस, इसमें हम स्पेशल ऐप हैं आपके लिए जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे सारा कंटेंट है। हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन बोथ क्लासेस चलती हैं जिसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलते हैं, लाइव क्लासेस भी मिलते हैं और आपको टेस्ट भी करने को मिलेंगे। और जो भी कंटेंट हम प्रोवाइड करवाते हैं वो सारा कंटेंट जो है हमारी ऐप पे भी शो किया जाता है, एनआरसी की ऐप पे। स्पेशल क्लासेस हैं, प्री एग्जाम है आपका। सबसे पहले आपको प्री एग्जाम की तैयारी करनी है, उसके बाद ही आप मेंस तक पहुंच पाएंगे। अगर अकेले अभी से ही अकेले मेंस पे फोकस रखेंगे तो नहीं हो पाएगा, मेंस और प्री दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले अगर प्री क्लियर होगा तभी मेंस तक पहुंच पाएंगे। और प्री क्लियर करने के लिए यू हैव ओनली 4 मंथ्स। 4 मंथ्स का जो टाइम है वो कोई थोड़ा टाइम नहीं होता है। हाँ, अगर आप बिगिनर हैं, आपने पहले कोई एग्जाम नहीं दिया है, आपका बेस जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो डोंट फील डिसहार्टेंड। आप प्रैक्टिस करेंगे तो सब चीज़ें हो ही जाएंगी, लेकिन उसके लिए आपको एक सही रास्ते में जाने की ज़रूरत है, एक सही आपको डायरेक्शन की ज़रूरत है। वो डायरेक्शन आपको कहाँ से मिलेगी? एनआरसी, एनआर क्लासेस बठिंडा, दैट इज़ स्ट्रीट नंबर 3, अजीत रोड। आप यहाँ पे आइए, अपने आप को एनरोल करवाइए। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है, अगर आप ऑफलाइन आना चाहते हैं तो वो बैच भी आपके लिए अवेलेबल है। ऑफलाइन क्लासेस का क्या है? ऑफलाइन क्लासेस में आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिलेंगे, लाइव क्लासेस भी मिलेंगी और आपको जो कंटेंट है वो सारा मटेरियल जो है वो सारा आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। उस मटेरियल में से आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद आपके कुछ टेस्ट रहेंगे और सारी आपको कंटेंट का जो भी मटेरियल है वो भी आपको पीडीएफ जो है वो शेयर करी जाती है। अब बात आती है कि आपने प्रेपरेशन करनी कैसे है। हर एग्जाम का एक क्रिटेरिया होता है, हर एग्जाम को क्लियर करने का क्रिटेरिया होता है। ये नहीं है कि आप सीधा हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाए। सबसे पहले हमने पहली सीढ़ी से शुरुआत करनी है, लेकिन वो स्टेप बाय स्टेप आपको जाना कैसे है ये सब गाइडेंस जो है हमारे यहाँ पे दी जाती है। इंग्लिश की क्लासेस रहती हैं, रीजनिंग की क्लासेस रहती हैं, मैथ्स हैं, एग्रीकल्चर है, सब चीज़ों के प्रॉपर लेक्चर मिलते हैं, सब चीज़ों के लिए प्रॉपर मेंटर हैं हमारे पास। और सब क्लासेस जो हैं वो ऑनलाइन भी हैं, रिकॉर्डेड भी हैं और लाइव क्लासेस भी रहती हैं। हम क्या हैं, सबसे पहले आपके पास लाइव या रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहेंगे, रेगुलर शीट्स रहेंगी, टेस्ट रहेंगे, उसके बेस पे ही आपका जो प्रेपरेशन है वो करवाया जाएगा। रेगुलर टेस्ट जो है क्लासेस में करवाए जाते हैं। इफ इन केस सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको सबसे टफ कौन सा सब्जेक्ट लगता है। बैंकिंग सेक्शन में जाते हैं, सबसे टफ आपको लगता है इंग्लिश और मैथ्स। रीजनिंग तो फिर भी आप लोग कर लेते हैं, एग्रीकल्चर तो आपका बेस सब्जेक्ट ही होता है, आपने ग्रेजुएशन में डिग्री करी हुई है तो आपने एग्रीकल्चर जो है वो पढ़ा ही होता है। तो सबसे पहले आपको डर लगता है मैथ से और इंग्लिश से, लेकिन ये सब चीज़ें जो है इतनी टफ नहीं होती। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, टाइम टू टाइम आप टेस्ट देंगे, टाइम टू टाइम आप क्लासेस लगाएंगे,
हमारे जो लेक्चर्स हैं वो आप देखेंगे तो आपको वो चीज़ें आसानी से आपको आसान लगने लग जाएंगे और एग्जाम जो है इजीली क्रैक कर सकते हैं। कुछ की पॉइंट्स होते हैं जो हम डिस्कस करते हैं अपनी क्लासेज में कि आपको कैसे सॉल्व करने हैं। एंटोनिम्स हैं, सिनोनिम्स हैं, ये आपको एक ही दिन में याद नहीं होते। मैं आपको कहूँगी ये लो 500 वर्ड्स हैं, ये आप याद कर लेना, ऐसे तो आप कहीं से भी कर लोगे। आपके पास यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस है, बहुत से लोगों ने जो ट्रेंड है, कुछ अनट्रेंड है, सब लोगों ने अपनी वीडियोस जो है वो डाली हुई होती हैं। कोई वोकैब की डाली है, कोई एंटोनिम सिनोनिम के लिए डाली हुई है, सब चीज़ों की वीडियोस मिल जाती हैं आजकल। लेकिन जब तक आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती आप उस चीज़ को नहीं कर पाते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको वो चीज़ करने में बहुत मुश्किल होती है, आपको यही नहीं पता चलता कि आपने पहले करना क्या है। अब आप स्टार्टिंग ही आप मान लो इतने मुश्किल टॉपिक से कर ले कि आप पहले दिन ही डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो आपको एक बेस जो है वो यहाँ पे हम तैयार करते हैं आपका कि आप वन बाय वन स्टेप जो है वो चलते हैं। अब अगर हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तब भी आप सबसे पहले सीढ़ी जो है वो छोटा स्टेप होता है, फिर उसके बाद हायर, तो एक हाइएस्ट पॉइंट जाने के लिए आपको बहुत से एफर्ट्स करने पड़ते हैं, राइट। तो उसके लिए आपको एक बेस तैयार करने की ज़रूरत है। वो बेस कहाँ पे हम तैयार करवाते हैं? NRC क्लासेस बठिंडा, जो कि स्ट्रीट नंबर 3 अजीत रोड पे है। अब यहाँ पे हम करते क्या है, हमारा जो बैच है वो गोइंग ऑन है, हमने अपना बैच शुरू कर लिया है और जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही मोटिवेटेड है। अगर आपको भी एग्जाम क्रैक करना है, आप चाहते हैं कि आप इस बार अपना एग्जाम क्लियर कर लें। कुछ लोग होते हैं जिन्होंने पहले भी एग्जाम दिया होगा, ज़रूरी नहीं कि सारे बिगिनर्स ही होते हैं, कुछ ने लास्ट ईयर दिया भी होगा शायद एग्जाम जो है, फिर भी क्रैक नहीं होता, फिर भी क्लियर नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें कमी रह जाती है, आप कहीं ना कहीं अपने आप में कुछ ना कुछ कमी छोड़ देते हैं या फिर आपको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता। लेकिन अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस के साथ अगर आप अपना एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे तो आई एम 100% श्योर कि आपका एग्जाम क्लियर हो ही जाएगा। और कुछ भी चीज़ डिफिकल्ट नहीं होती, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो मैथ्स है, रीजनिंग है, एग्रीकल्चर है, अगर आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करोगे, एक स्टेप बाय स्टेप आप प्रोटोकॉल को फॉलो करोगे, रूल्स को फॉलो करोगे, तो चीज़ें जो है वो आसान हो ही जाती हैं। ये मत सोचो, कभी भी डिसहार्टन फील मत करो, डोंट गिव अप। सबसे पहला जो आपका एग्जाम क्लियर ना होने का कारण रहता है वो आप गिव अप कर देते हो। अगर मैंने आपको कहा कि आज हम 10 वर्ड्स एंटोनिम्स के या सिनोनिम्स के करेंगे, हम आज पैराग्राफ करेंगे, आपको लगता है ये तो 2-3 दिन करके आपको बोरियत फील होती है, आप गिव अप कर देते हो कि हमसे तो होगा ही नहीं, हम तो ये कर ही नहीं पाते। तो जनाब, कोई भी भाषा सीखने में वक्त तो लगता ही है। अब अगर हम सोचें कि हम बचपन से इंग्लिश पढ़ते आ रहे हैं, तो आप नहीं पढ़ रहे हो बचपन से इंग्लिश, आपने सिर्फ अकेडमिक काम करा है आज तक जो आपके सिलेबस में था, आपने सिर्फ वो चीज़ें पढ़ी, 10 चीज़ें आपको सिलेबस में थी, आपने माई बेस्ट फ्रेंड का ऐसे याद करा, आपने 2-4 ग्रामर के वो ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, ये ऐसी कुछ एरर्स करी और आपने एग्जाम दे दिया, आपके अच्छे मार्क्स आ गए। लेकिन अब हम तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग के लिए, आपको जॉब लेनी है जो आपको लाइफ टाइम काम आने वाली है, ठीक है। तो उसका कुछ तो लेवल रहेगा, कुछ तो टफेस्ट लेवल वो भी रखेंगे अपना, तो वो क्लियर करने के लिए आपको एक कंटेंट चाहिए, आपको एक स्टेप बाय स्टेप आपको गाइडेंस चाहिए। वो गाइडेंस आपको कहाँ से मिलेगी? NRC बठिंडा से। अगर आप चाहते हैं अपने आप को इस बार की, इस साल हमारी 2023 में तो हमने एग्जाम दे के जॉब ले ही लेनी है, 2024 तक हम जॉब में सेटल हो ही जाएं, तो आप आइए और हमारा जो बैच है चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना है तो आपको वहाँ पे लाइव क्लासेस भी मिलेंगी, रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी और साथ में आपको मिलेंगे PDF भी मिलेगा और कंटेंट जो भी आपके सिलेबस से रिलेटेड होगा वो सब हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप एनरोलमेंट करवाएं और हमारी क्लासेस को ज्वाइन करिए। थैंक यू।